नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को विजार्ड इन्फो डिफेंस के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना को मिला एक नया ताकतवर हेलीकॉप्टर जिसका नाम है MS-60R। जी हाँ दोस्तों, यह वही हेलीकॉप्टर है जो कि भारतीय नौसेना को ऐसी ताकत प्रदान कर दिया है जो कि भारतीय नौसेना इसके बाद सबमरीन्स को भी मार गिराने में सक्षम हो गई, वो भी एक हेलीकॉप्टर के जरिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे और वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है और इस वीडियो हम लोग इसके सभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि यह हेलीकॉप्टर काफ़ी हर एक मामले में उन्नत माना जाता है, जो कि सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर या सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। इस हेलीकॉप्टर को भारत ने अमेरिका से खरीदा है, जो कि लॉकहीड मार्टिन ने इसका निर्माण किया है और भारत ने करीब $2.4 बिलियन के इस 24 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया, जिसमें कि दो की डिलीवरी हो चुकी है। और MS-60R को खासकर नौसेना के लिए बनाया गया, जिसमें कि कई सारी तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया, जो कि नौसैनिक जो सैनिक होते हैं उनको काफ़ी बेहतरी साबित हो सके इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके। और आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर का जो निर्माण है वो कई वेरियंट में किया गया है। और यदि हम लोग इसके ऑपरेशन हिस्ट्री की बात करें तो इसका ऑपरेशन अधिकतर US नेवी करती है कई सारे ऑपरेशंस में, और इसका रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर के एक्शन या कहीं पर सर्चिंग ऑपरेशन हो, हर एक तरीके का ऑपरेशन इस हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा सकता है। और यदि हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बता दें कि इसमें करीब 3 से 4 क्रू द्वारा इस हेलीकॉप्टर को कंट्रोल किया जाता है। और यदि हम लोग इसके लेंथ की बात करें तो करीब 19 मीटर है, और यदि हम लोग हाइट की बात करें तो 5.23 मीटर है, और यदि हम लोग इसके वेट की बात करें बिना किसी वीपन या बिना किसी लोडेड के तो करीब 6,895 किलोग्राम है, और यदि हम लोग ग्रॉस वेट बात करें तो करीब 8,000 किलोग्राम हो जाता है, और यह करीब अपने साथ 10,000 किलोग्राम तक के भार को ले जाने में सक्षम है। और यदि हम लोग इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो करीब 270 किलोमीटर है, और यदि हम लोग इसके रेंज की बात करें तो करीब 830 किलोमीटर है, और यदि हम लोग इसके सर्विस सीलिंग की बात करें तो करीब 3.7 किलोमीटर है, और रेट ऑफ क्लाइंब है करीब 8.5 मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों, यदि हम लोग इसके हथियारों की बात करें तो इसमें टॉर्पीडो लोड किया जाता है, जो कि सबमरीन को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि MK-50 और या MK-54 120 US गैलन फ्यूल टैंक भी इसमें भरे जा सकते हैं। और यदि हम लोग इसके गाइडेड मिसाइलों की बात करें तो इसमें AGM-119 पेंगुइन मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें AGM-114 हेल फायर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें करीब M-60 मशीन गन लगी होती है और M-240 मशीन गन भी लगी होती है, जो कि नौसेना को काफ़ी मदद प्रोवाइड करती किसी भी ऑपरेशन के समय। देखिए, इसी तरीके की हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना की सख्त ज़रूरत थी। भारतीय नौसेना एक ऐसी हेलीकॉप्टर चाहती थी जो कि विभिन्न प्रकार के मिशंस को पूरा कर सके, और कहीं अटैक करना हो तो उसमें भी इस तरीके के हेलीकॉप्टर हमला करके जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम हो जाए। दोस्तों, उसी सभी ज़रूरतों को ये जो MH-60R हेलीकॉप्टर है बहुत ही बेहतरी से अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कोई भी नई अपडेट निकल कर आप सामने आती तो मैं वीडियो बनाकर अपडेट कर दूँगा।